पागल पानी तो आइए ना रहा है, तो यही चापाकल से ले रहे हैं पानी। ये पूरा मोहल्ला के जो है ना पूरा व्यवस्था यही चापाकल से जा रहा है, कोई आधार नहीं है पानी के लिए। क्या आपने पानी का बिल भरा है? पानी आइए ना रहा है तो क्या भरे, पानी डेली नहीं आता है, दो दिन में आएगा वो थोड़ा थोड़ा आएगा, एको बाल्टी झोंका गया तो झोंकाएगा, नहीं तो नहीं। कहीं कहीं नल खुला हुआ है, इधर पानी नहीं उतरता है, कभी 15 दिन बंद हो जाता है, कभी महीना दिन भी बंद हो जाता है। अब पानी नहीं आएगा तो कैसे बिल जमा करेंगे? तो नीचा करवा दिए उसे भी नलों में, पानी यहाँ पर नहीं था, बहुत दिक्कत हुआ 2 महीना तक। उसके बाद में हम लोग दौड़े वीडियो साहब के पास में गए, प्रमिला बहन जी के साथ में सब बात हुआ वहाँ पर। उसके बाद में बनाया एक बार तो फिर बिगड़ गया, फिर पानी नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, फिर आके बनाया। उसके पहले जो बनाए थे मुखियान जी, तो फाइबर पाइप दे दिए थे, उसे पानी नहीं आ रहा था बढ़िया। तो अभी फिर आके बनाए हैं जिला से, तो दिए हैं लोहा वाला पाइप, उसे पानी तो ठीक आ रहा है अभी। यहाँ चैनपुर में आप अभी कितना चापाकल बना चुके हैं? 60 बना चुके हैं। और किसके द्वारा आप लोग यहाँ तक आए थे? तो यहाँ पर आप कितने आदमी हैं अभी बनाने के लिए? 12-13 और कितना चापाकल बाकी है सर चैनपुर में? चैनपुर में मेरा अभी 100 बाकी है रिपेयर करने के। अभी चापाकल बन गया तो आपको बदलाव आ गया, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, भर रहा है सब, और हम भी भर रहे हैं। गाय के लिए विशेष दिक्कत हो जाता है ना जी। माँ जी, आदमी तो दुरिया से भी ले आ सकते हैं, लेकिन गाय गुरु के लिए तो बांध के खिलाता है, उन लोग के तो पानी भरिए के देना होगा। मैं इस पेयजल आपूर्ति पर बदलाव वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि चैनपुर ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल विभाग की सहयोग से पर्याप्त एवं सुरक्षित जल उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए चैनपुर बीच बस्ती MLA रोड के समुदाय के लोग पेयजल संबंधी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं जिनके सहयोग से पेयजल जैसी बड़ी समस्या दूर हुई है। मैं प्रमिला एक्का, जिला गुमला, झारखंड, इंडिया, अनहट के लिए।